आज की इस वीडियो में हम लोग फीटर ट्रेड थ्योरी का आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस आपका ये NCVT के जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में फीटर में है फर्स्ट ईयर में उनके लिए यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। अब यदि सेशन की बात करें तो फिलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी 19-21 सेशन के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका 20-22 सेशन के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और जो अभी यहाँ पे 21-23 सेशन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो सभी जो NCVT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ITI कर रहे हैं वो सभी इसको देख सकते हैं और इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करें यदि तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है सिलेबस का वीडियो, और इसके साथ ही साथ आपका डीजल मैकेनिक्स ट्रेड यदि है तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आज फीटर के बारे में। तो फीटर में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपका सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ्टी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आते हैं, आप इसको जो डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इसका PDF जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसको PDF के थ्रू आप जब भी अपना बुक से पढ़े तो आप लोग इससे मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में PDF में सेव करके या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, सेफ्टी हो गया। सेफ्टी के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एड हो गया आपका, यहाँ पे अग्निशामक के बारे में ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप कहीं पे भी जाइएगा किसी भी कंपनी में आगे चल के आप वर्क करने के लिए जाइएगा, आपको सेफ्टी के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ पर जो काम आप नहीं कर पाइएगा अच्छी तरह से, है ना। इसलिए बेसिक जो पहला चैप्टर रखा गया आपका क्या है, सेफ्टी चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की यदि बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है, बेसिक फिटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो चैप्टर है वो क्या हमारा बेसिक फिटिंग है जो आपको पढ़ना रहता है। बेसिक फिटिंग में क्या पढ़ना रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट हो गया, स्क्राइबर हो गया, आपको डॉटम हो गया, यहाँ पे कैलिपर्स हो गया, जेनिप कैलिपर हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच हो गया, आपका हैमर हो गया, वी ब्लॉक हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ बेंच वॉइस हो गया, आपका हैक्सो हो गया, फ्रेम ब्लेड्स, ये सारी चीज़ टाइप्स ऑफ वॉइस हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, वॉइस ट्राई स्क्वायर हो गया, है ना, फाइल्स वगैरह, कटिंग फाइल्स हो गया। तो ये सारे चीज़ जो आपके आते हैं बेसिक फिटिंग्स में, ये आपका बेसिक फिटर में आता है। तो ये सारी चीज़ आपको यदि आप फीटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारे चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पहचान करने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाइएगा तो यदि आप पहचानने आपको टूल्स पहचानने नहीं आएगा तो फिर आप कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, है ना, आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा। इसलिए आप यदि फीटर के स्टूडेंट हैं या किसी भी ट्रेड के आप स्टूडेंट हैं तो अपना जो बेसिक है जो आपका जो टूल्स जो आप यूज़ कीजिएगा उसके बारे में एटलीस्ट आप आइडिया ज़रूर रखिए, उसको पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर आपका क्या हो गया, तो बेसिक फीटर टूल्स हो गया। उसके बाद थर्ड चैप्टर की यदि बात करें, देखिए इसमें अंतर्गत बहुत सारा चीज़ है ना, डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, डिजिटल माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, तो बहुत सारी चीज़ हैं। तो इसको आप जो है एक बार इसका डाउनलोड करके देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ओके। चलिए अब थर्ड चैप्टर जो हमारा वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड चैप्टर देखिए आपका क्या है, सीट मेटल्स। तो थर्ड चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, सीट मेटल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होगा, चादर धातु कार्यशाला में सुरक्षा एवं प्रवेश, उसके बारे में सुरक्षा, उसके सुरक्षा के बारे में पढ़ना आपको, जनरल सेफ्टी, ये सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सीट मेटल टूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड वायर गेज पढ़ने हैं, ठीक है, स्टील रूल वगैरह हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको, स्ट्रेट एज हो गया, स्क्राइबर हो गया, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ है, बॉल पिन हैमर हो गया, डिवाइडर हो गया, विंग कंपास हो गया, स्ट्रेट स्पिन हो गया, है ना। सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके देख लीजिएगा, यहाँ पर यदि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा लेकिन ये हमेशा आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस PDF का डाउनलोड करके इसको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आपका इतना सारा चीज़ आता है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर आपका वो क्या है, वेल्डिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। ऑल्सो आप लोग को जब भी आप कहीं पे जाइएगा फीटर से आपने किया है तो आपको वहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए मिलेगा, है ना, इसलिए आपको वेल्डिंग का जो नॉलेज होना चाहिए। और वेल्डिंग जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है, यदि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको इसके लिए जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ सकता है, इसलिए वेल्डिंग चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा,
ठीक है। तो इसमें देखिए पहले सेफ्टी है आपका, उसके बाद यदि और देखें तो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग हो गया आपका, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्या आर्क वेल्डिंग हो गया। और क्या होता है आपका, बहुत तरह के वेल्डिंग आपने पढ़ा होगा है ना, फ्यूज़न होता है, नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग होता है, फ्यूज़न वेल्डिंग में बहुत सारे वेल्डिंग आते हैं, फिर नॉन फ्यूज़न में भी बहुत सारे वेल्डिंग आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग को भी बहुत तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे है, डीसी हो गया, एसी आर्क वेल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे तरह से देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो होता है GTMA होता है, एक GTMA, बहुत तरह के वेल्डिंग्स होते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं आपको डिस्कस करके सारा टॉपिक नहीं बता सकता हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ओके। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद वेल्डिंग के बाद यदि बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ तक में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, जो कि वेल्डिंग लास्ट था। उसके बाद 6 मंथ के बाद आपको देखिए क्या पढ़ना है, ड्रिलिंग। तो लास्ट आपका 5वां नंबर टॉपिक क्या है, वो ड्रिलिंग आपका है, ठीक है। तो ड्रिलिंग के बारे में आपको पढ़ना है, आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ड्रिलिंग के अंतर्गत। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हेडिंग जो चैप्टर का है वो बता देता हूँ, अब बाकी इसका PDF मैं दे दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 6ठा चैप्टर की बात करें तो वो क्या आपका फिटिंग असेंबली है, ठीक है। तो फिटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे जानना है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। और 7वां नंबर चैप्टर आपका क्या, टर्निंग है ना, तो टर्निंग ऑपरेशन के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है टर्निंग में, वो सारा चीज़ का लिस्ट जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो क्या आपका, बेसिक मेंटेनेंस। तो बेसिक मेंटेनेंस जो ये आपका फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका क्या, बेसिक मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल मिला के यदि बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 जो चैप्टर है आपका फिटर ट्रेड थ्योरी में आता है, यदि हम लोग बात करें NCVT स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आपका टोटल कितने चैप्टर आते हैं, टोटल 8 चैप्टर जो आपको अंतर्गत यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में आता है, और आपको इसको अच्छी तरह से कवर करना है यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। तो इसको आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, और इसको जो आप लोग जब भी आप स्टडी करें तो सिलेबस को ज़रूर फॉलो करें। यदि सिलेबस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, और आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से दे दिया था। इस वजह से आप लोग सिलेबस को ज़रूर रखें, और इसके इसमें जो भी टॉपिक दिया गया उसको आप लोग अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा, सेफ्टी हो गया, दूसरा क्या था आपका, बेसिक फिटर्स था, और तीसरा जो चैप्टर था वो क्या था आपका, तीसरा चैप्टर आपका सीट मेटल था, और चौथा चैप्टर वेल्डिंग था, उसके बाद बात करें तो ड्रिलिंग था, उसके बाद टर्निंग था, है ना। तो उसके बाद आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक था। तो देख सकते हैं ये सारे चैप्टर जो थे आपका फिटर फर्स्ट ईयर के लिए है। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस सिलेबस से स्टडी करेंगे, और जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, आप लोगों को आपका सिलेबस सेकेंड ईयर का वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप लोग किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा, और उस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।